अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ हम लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे बेकिंग। बेकिंग वो भी जो हम रूम में बैठ के करेंगे, किचन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बेकिंग होगी हमारे चेहरे पर, ना कि किचन के अंदर, ओवन के अंदर। और बेकिंग, ये बेकिंग होती क्या है बेसिकली? बेसिकली जो है बेकिंग, बहुत पुराने ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले लोग करते थे, वो आजकल फैशन में आ गई हैं और अब लोग वो उसको इतने शौक से करते हैं। पहले वो उसको देखा करते थे तो ऐसे लगता था तो बहुत खौफनाक लग रहा है, कौन इस तरह चेहरे पे करता है। और वो खासतौर पे आपको पता है स्टेज ड्रामों में, या जो आदमी औरतें बना करते थे और काफ़ी डार्क और शार्प मेकअप करते थे, वो इस चीज़ को करते थे। अच्छा, ये होता है लूज पाउडर से। आप अपना फाउंडेशन, जैसे कि मैंने पूरा भी आप देख रहे हैं मेकअप किया हुआ है, ब्लश लगा हुआ है, कॉन्टोरिंग हुई हुई है और आई मेकअप सब कुछ हुआ हुआ है। उसके बाद जो है आप ये पाउडर, लूज पाउडर अपने जहाँ पे भी आपने ब्राइट करना होता था, जैसे अंडर आई, नोज का एरिया, जॉ लाइन, तो वहाँ पे आप ये लूज पाउडर लगा के थोड़ी देर तक रहने देते हैं और उसके बाद जो है उसको जो है आप हटा देते हैं। तो उससे ये होता है कि ये जो जोन होते हैं जहाँ पे आपने लगाया होता है वो ब्राइट हो जाते हैं विदाउट एनी शाइन। मतलब कि हम जैसे हाईलाइटर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो शिमर वाले होते हैं या थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये आपके इन जोन को हाईलाइट करेगा विदाउट एनी शिमर। वो मतलब कि चमकपन नहीं आएगा, जो कि खास बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता। एक ये चीज़ करता ही है और पॉरलेस फिनिश आपको इसके साथ मिलेगी। और जैसे एक जापानी गुड़ियाएं नहीं आती थी, पोर्सलैन की गुड़ियाएं मिट्टी की बनी हुई, उनकी स्किन कितनी प्यारी सी लगती थी, बिल्कुल डॉट प्रूफ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधी स्किन, उस तरह का इफेक्ट आपको इससे मिलेगा। और आपने इसको लगा के जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना है ताकि मैट और पोरलेस फिनिश आए। तो शुरू करते हैं इसको। उसके लिए मैं जो हूँ बिल्कुल लूज पाउडर लूंगी, जो कि सबसे आसान होता है लगाने में। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ ना करें तो बेहतर है, मैं खुद उसको यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उससे बहुत मुश्किल होती है लगाने में। तो हम पहले अपने अंडर आई एरिया पे लगाएंगे काफ़ी सारा। जैसे कि टी जोन है, ये मेरा ब्राइट करता है, तो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई कि मैं स्पंज क्यों यूज कर रही हूँ। और ये स्पंज जो है गीला है, वो इसलिए कि स्पंज से जो है बिल्कुल तरीके से ये चीज लगती है और जो है हर तरफ नहीं लगती, क्योंकि गीला होता है तो वहीं पे लगती है जहां आप लगाना चाह रहे होते हैं, जॉ लाइन के पास। इस तरह करके हम लगा लेंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट ऐसे ही लगेंगे जोकर, जिसको भी आपने डराना है और अपना शौक पूरा करना है डरा के, तो छुपके से ऐसे चले जाएं, उसके पीछे हार्ट अटैक ना आ जाए तो मेरा नाम बदल लेना। ऐसे रखेंगे 15 मिनट और उसके बाद जो है हम इसको ब्रश से रिमूव करेंगे। पूरे 15 मिनट के बाद अब हम इसको हटाना शुरू करेंगे, मतलब कि स्किन के अंदर ही ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो सफेद जो है बिल्कुल भी ना रहे। खासतौर पे अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या कोई स्पेशल इवेंट है तो इसको अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये फोटो के अंदर अगर ये सही से ब्लेंड ना हुआ हुआ हो तो ऐसा गोस्टली जो अपेरेंस आता है ना बाज लोगों का, फोटो के अंदर सफेदी सी नजर आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि ये सही से ब्लेंड नहीं हुआ हुआ होता। तो इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है ऐसे। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त फिनिश आती है, एकदम प्रोफेशनल फिनिश आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर अगर जैसे हमने जॉ लाइन के ऊपर ये किया है और आप देख रहे हैं कि
एक स्ट्रिक्ट लाइन सी बन गई है, तो आपने जो है ना फिर से अपनी कंटूरिंग जो है ना लाइट सी कर लेनी है। मुझे जो है यहाँ पे अभी बिल्कुल सॉफ्ट सी लग रही है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई लाइन सी बन गई है, तो मैं अब इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अब जो है ऐड नहीं करूँगी, बस ब्लेंड करके और हमारी बेकिंग हो गई ख़त्म। तो ये थी हमारी वीडियो बेकिंग शेकिंग, जो कि आपने देखी, बहुत इजी है, प्रोफेशनल लुक देती है और मैट फिनिश देती है, हाईलाइट करती है, आपने सब कुछ देखा और फर्क भी आप देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले का और आपका जब लग चुका है, तो किस तरह की मैट फिनिश आई है देखें, बहुत खूबसूरत लगता है और एक प्रोफेशनल आप खुद से लुक दे सकते हैं अपने आप को, तो क्यों नहीं। और ख़ास तौर पे मैंने हैवी मेकअप, काफ़ी कलर्स यूज़ किए हुए थे और लिप भी, वो इसलिए आपको दिखाने के लिए ही कि बेकिंग के साथ ये किस तरह मतलब कि उभर के सामने आता है, मतलब कि इसको हाईलाइट करता है। जब बेकिंग अच्छी सी हुई भी हो तो आपकी डार्क मेकअप जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क लिप्स हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर भी प्लीज करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंचे। बाय।